जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। क्या बुलाए? नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव पाव पणासनो, सव पाव पणासनो, मंगलानं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताएं। मेजी एनी क्वेश्चन? मेरे को एक प्रश्न था। मैं सियादवाद का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, तो मैंने एक एकांतवाद के बारे में भी पढ़ा जो उसके रूट्स में है, तो मैं इन दोनों के बीच समझना चाहता हूँ। ये आवाज कटती है, हमारी आवाज सुनाई देती है आपको? ठीक है, मुझे मेरी सुनाई दे रहे? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, आपकी आवाज सुनाई दे रही है स्वामी जी। ओके, जय सच्चिदानंद। जगत के ओके ओके गो अहेड, रेडी? हाँ यस यस गो अहेड। जी इसके अलावा, बिहारी आनंद जी आपकी आवाज कट गई थी, फिर से बोलिए। वितराग धर्म जो है जी, वो कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। जैन धर्म को हम वितराग धर्म नहीं कह सकते। वितराग धर्म यानी कि जो सभी व्यू पॉइंट को समाविष्ट करता है और कोई भी चीज को 360 डिग्री से ओवरऑल सब कुछ बताता है, उसको वितराग धर्म कहते हैं। और वही वितराग धर्म को अनेकांत मार्ग कहते हैं। एकांतिक यानी कोई एक धर्म में जो वो समझ रहा है, जो मान रहा है, वो ही सत्य है, दूसरे का सत्य नहीं है। हमारा धर्म, हमारा धर्म गुरु और हमारा ग्रंथ जो बता रहा है वही सत्य है, तो वो उसको एकांतिक बोलते हैं। एकांतिक यानि अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानना, अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, तो उसको एकांतिक बोलते हैं।
और अनेकांत है, ये दादा भगवान का जो विज्ञान है वो वितराग मार्ग है और वो अनेकांत है, सभी व्यू पॉइंट को स्वीकार करता है और मूल चीज को वो जानता है, उसको अनेकांत कहते हैं। और जो श्यादवाद है, उमेश जी सुन रहे हैं ना? जी जी मैं सुन रहा हूं। हाँ, और जो श्यादवाद है तो श्यादवाद वो बानी श्यादवाद होती है जी। जब भी किसी के भी प्रति बोले, मान लो कि मैं बोलू कि उमेश भाई बहुत अच्छे इंसान है जी, तो क्या अच्छे इंसान है लेकिन उसके और भी बहुत सारी क्वालिटी है प्लस और माइनस जी, तो मैं सिर्फ ऐसा ही बोलू कि उमेश भाई एकदम अच्छे इंसान है तो वो श्यादवाद नहीं कहेगा जाएगा, वो अनेकांत में एकांतिक हो जाएगा जी। एकांतिक। और मैं ऐसा बोलू कि वो पढ़े लिखे है, वो दयालु है, वो उसका जो व्यवहार है वो लाइटली कॉमेडी जैसा है, वो बहुत सारा पढ़ते हैं, तो ये सब मैं जब बोलता हूं तो उमेश भाई का पूरा कैरेक्टर सामने आता है जी। तो वो ओवरऑल जब मैं उमेश भाई को जानकर बोलता हूं तो वो श्यादवाद हो जाएगा जी। जी जी श्यादवाद जो मनन है, वर्तन है और वाणी है जी। तो वो श्यादवाद होता है, मतलब के जी सभी एंगल को देखकर जो बोलता है उसको श्यादवाद कहते हैं जी। उमेश भाई जी 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 हाँ जी समझ गया। हाँ, क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि हाँ हाँ ये शब्द जो आप समन्वय बोल रहे हैं इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो सिंथेसिस कहा जाए तो ठीक रहेगा, कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स का एक ऐसा सिंथेसिस हो जिससे एक पूरी पिक्चर सामने आए किसी के बारे में। और सिंथेसिस का मतलब, सिंथेसिस का मतलब मुझे मालूम नहीं है लेकिन ये श्यादवाद जो है वो आप समझ लो कि श्यादवाद इसको श्यादवाद कहते हैं। जी मैं समझ गया जी, समझ गया। हाँ बस, तो वो श्यादवाद है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ, ये बहुत और, बड़ा प्रश्न था आपने क्लियर किया। हाँ, और वितराग मार्ग है वो अनेकांत है जी, अनेकांत। और बाकी के जो धर्म है वो एकांतिक है जी, जैसे कि वैष्णव धर्म है, स्वामीनारायण धर्म है, ये धर्म है, तो वो एकांतिक है कि भी हमारा ही सबसे अच्छा है और हमारे अलावा बाहर अच्छा नहीं है, हमारा जी, धर्म जी, ही श्रेष्ठ है जी जी जी, जी और अगर हमारा धर्म में आप आते हो तो दूसरे का जानने की जरूरत नहीं है जी, ऐसा वो लोग मानते हैं जी, तो वो एकांतिक बोलते हैं जी। तो एकांतिक जो पक्ष होता है उसमें आदमी क्या होता है, कट्टर हो जाता है जी, कट्टरता ज्यादा होती है जी। और जो अनेकांत है जी तो वो कट्टर का तोड़ता है, कट्टरता बिल्कुल नहीं होती है जी, क्योंकि हर एक धर्म का अपना अपना विजन है, अपना अपनी जानकारी है जी। उमेश जी, हर एक धर्म में पूछ सकता हूं या किसी और? हाँ हाँ जी, नहीं मैं आपको टोक नहीं रहा था, ये मेरा पहली बार है तो मुझे समझ नहीं मुझे क्या करना है। नहीं बराबर बराबर, मैं कुछ और पूछ सकता हूँ जी? हाँ बोलिए बोलिए जी। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान क्या है और इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? हाँ, सम्यक दर्शन यानी
सवला दर्शन जी, सम्यक दर्शन यानी यथार्थ दर्शन, जो ये जो आपने ज्ञान विधि अच्छा, कराई ने समर्पण विधि हुई जी, तो, जी, जी, तो वो समर्पण विधि में आपको जो ज्ञान दिया गया उसकी जो समझ दी गई, तो आपको वो जो समझ दी गई वो यथार्थ सम्यक दर्शन है। अच्छा जी, ठीक है, यथार्थ सम्यक दर्शन है कि हकीकत में आप उमेश भाई नहीं है पर ये है, उमेश भाई है तो किस आधार से है, और शुद्धात्मा है तो किस आधार से है, और ये सारा जगत जो है वो कौन चला रहा है जी। तो ये जो समर्पण विधि में सब बताया जी, तो यथार्थ सम्यक दर्शन है। अच्छा जी, ठीक है जी, हाँ, और वो दर्शन जैसे जैसे आपको रियलाइज होता जाएगा आपके अनुभव में आता जाएगा। जी 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 हाँ, अभी तो आपने विधि कराई मतलब कि उसके ऊपर आपको श्रद्धा आई कि नहीं ये बात बराबर है और ये बात अंतिम है जी, तो ये बात जब आपको समझ में आ जाएगी कि हकीकत में मैं कुछ कर सकता नहीं हूं लेकिन ये व्यवस्थित शक्ति ही मुझे और सबको चला रही है, तो ये अनुभव में जैसे जैसे आता जाएगा तो वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, वो आपको पक्का हो जाएगा ज्ञान के स्वरूप में। दर्शन है वहां तक, बिलीफ है, क्या है, राइट बिलीफ, और ज्ञान में आना मतलब कि वो बिलीफ दृढ़ हुई, पक्की हुई, तो वो उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और जैसे जैसे ये ज्ञान पक्का होता जाता है तो अपने आप वो चरित्र में आता है, अनुभव में आता है। स्वामी जी, जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में परिवर्तित होता है उसकी कुछ निशानियां होती हैं जिससे पता चले कि हो रहा है? तो के जहां तक वो दर्शन स्वरूप है वहां तक आपको ऐसा ही लगेगा कि ये मैंने ही किया, मैंने तो किया और कोई कौन कहां है, मैं ही करता हूं, मैंने ही किया, वो आपको दृढ़ रहेगा जहां तक वो दर्शन स्वरूप है। जैसे जैसे आपका दर्शन पक्का होता जाएगा फिर आपको वो अनुभव स्वरूप रहेगा कि मैं भी एक निमित्त हूं और व्यवस्थित शक्ति सभी संयोग मिला देती है और काम हो जाता है। हाँ, संयोग के अधीन काम हो रहा है, वो आपकी दृढ़ता पक्की हो जाएगी। हाँ, तो फिर जैसे वो दृढ़ता पक्की हो जाएगी तो आपको फिर अंदर से निशंकता रहेगी, निर्भयता खुली हो जाएगी, तो वो उसकी निशानी आपको भी फिर अनुभव में आएगा। जी जी जी, बराबर उमेश भाई, समझ गया स्वामी जी, समझ गया, बिल्कुल ठीक समझ आ गया। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मैंने मुझे ऐसा लगता है इस संसार में कोई भी कारण जो मूलभूत यदि कारण देखे दुखों का तो विद्या की कमी से है कि विद्या एक माध्यम है सब, ये विद्या को ही ज्ञान बोलते हैं। दुखों का कारण ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव। हाँ, ज्ञान तो बहुत है लेकिन सम्यक ज्ञान का अभाव। नहीं, बाकी तो बहुत जिन लोगों ने ज्ञान नहीं लिया है मान लो, तो उन लोगों के लिए मैंने क्या क्या समझना चाहिए?
तो हर एक इंसान हर एक जीव के पास उसके अनुभव के आधार से ज्ञान तो होता ही है। वो जो जगत किस आधार से चलता है ये। आपकी आवाज कट गई थी। हेलो बात तक थोड़ा ये दोनों जाता कुछ लगता है, क्या है कुछ कनेक्शन में कमी है क्या, खराबी है? हाँ क्योंकि तो क्या जहां ज्ञान तक शिक्षा समझ ये तीन शब्द है ना, एक दूसरे से मिलते रहे हैं, मगर कि तीनों शब्द रिलेटेड है एक दूसरे से। ज्ञान शब्द कॉमन है, ज्ञान कॉमन है, शिक्षा नहीं होगी तो चलेगा? संसार के ज्ञान को भी ज्ञान बोलते हैं, तो अच्छा। संसार का ज्ञान तो सभी के पास है ही, तो उसका व्यवहार तो चल ही रहा है और नया कर्म बन रहा है, समझे? रिलेटिव ज्ञान सभी है, तो वो ज्ञान से उसका कर्म बंद नहीं होता है। मैं करता हूं, ये लोग भी करते हैं और भगवान भी करते हैं, ये मिक्सचर जो समझ है वहां तक उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहते हैं, माना हुआ ज्ञान कहते हैं। और यथार्थ ज्ञान मैं कौन हूं, मेरा जो नाम है, शरीरधारी है, वो कौन है, और ये सारा जगत किस आधार से चल रहा है, कौन चला रहा है, तो ये यथार्थ ज्ञान है। तो ये यथार्थ यानी के अंतिम ज्ञान, अंतिम ज्ञान, दरअसल ज्ञान, तो ये पक्का हो जाएगा तभी वो निसंक और कसाई मुक्त होगा। नहीं तो ये सबसे पहले विद्या से आएगा ना। हाँ, विद्या यदि मनुष्य में होगी तो ये समझ में आएगा यथार्थ ज्ञान सब। विद्या यानी ये जो बार का पढ़ना लिखना है वो विद्या ना। हाँ मैंने शिक्षा मैंने खुद को समझ होना चाहिए ना मनुष्य में, यदि वो समझ ही नहीं है स्टार्टिंग तो वो यथार्थ ज्ञान कहाँ से पाएगा बेचारा। हालांकि वो भी जरूरी है, लेकिन वो है, वो है तभी ये आएगा, ऐसा नहीं है। विज्ञान ये अध्यात्म विज्ञान समझने में कुछ हद तक जो व्यवहार उसकी समझ है, व्यवहार की जो विद्या है, तो वो बहुत ही उसको हेल्प करती है, हेल्प करती है। हाँ लेकिन दरअसल विज्ञान को समझना है तो फिर अनुभव पर जाता है। समझने के लिए बराबर, तो समझ के लिए ये चाहिए, लेकिन ये है तो ही ये समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा तो हर एक बात अभी आपने शब्द बोला ना अनुभव, अनुभव मैंने होना चाहिए वो अनुभव, आप एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपको आप बताते हो सब। हाँ बोलो खरे साहब। सुरेश जी कहाँ गए? नहीं वो डिस्कनेक्ट होके आएंगे वापस। अनुबेन या जय भगवानंद जी, बिहारी आनंद जी, महात्मा, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सॉरी अनम्यूट करिए। You can hear me ना? हाँ जी, अभी जैसे सब कर्म जो हमारे हैं डिस्चार्ज के कर्म है एंड सब व्यवस्थित से ही हो रहा है, तो हम जैसे अभी पता है कि मन में कोई विचार आया, विचार आ रहा है, देख रहे हैं, विचार को भी देख रहे हैं,
और ये पता है अभी निकलेगा, वाणी में निकलेगा, अभी कंठ से निकल रहा है, अभी मुंह से निकल रहा है। और जब भी सामने वाला कभी कोई ऐसा एक बात 20 बार 10 बार बोलता है और हमको पता है थॉट में आया, वाणी में आ रहा है, अभी वर्तन में आ रहा है, मालूम है निकलने वाला है मेरे मुंह से, तो अभी उसको वहां पे रोक संवर कैसे करें, उसका निर्जरा कैसे करें, तो कैसे उसको बंद करें, वो भी व्यवस्थित ही है कि बस नहीं ना चाहते हुए भी निकलता है तो वो भी व्यवस्थित है। हाँ, तो के जो हम विचार करना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते हैं, फिर भी अपने आप हो रहा है, तो को वो नहीं करना चाहते हो जाता है, तो वो मन में, वाणी में और वतन में, तीनों जगह पर होता है ऐसा। तो वो जो हो रहा है वो पूर्व संस्कार के फल स्वरूप है और उसी को ही डिस्चार्ज बोलते हैं। जी, डिस्चार्ज मतलब उसमें हमारा बिल्कुल भाव नहीं है। समझे अनुबेन? हाँ जी, ये समझे, लेकिन उसको रोके कहाँ से, वो संवर कैसे करे, स्टॉप कैसे करे? तो रुकेगा कैसे कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये व्यवस्थित शक्ति अनुबेन को चला रही है, तो नया कर्म नहीं बनेगा। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं मतलब मैं शुद्धात्मा अकर्ता हूँ और अनुबेन जो कर रही है तो वो उसके कर्म के जो संस्कार है वो संस्कार स्वरूप खाली हो रहा है। जी हाँ, तो वो जो खाली हो रहा है वो कंप्लीट डिस्चार्ज है और उसमें मैं शुद्धात्मा जो है वो उसको देखता है और जानता है। क्या करता है? देखता है और जानता है, लेकिन समता नहीं रहती है कभी कभी, बस सम रहे तो उसमें, जस्ट देखने वाला तो मैंने वो तो जैसे जैसे वो पक्का होता जाएगा वैसे वैसे अंदर समझ पक्की होती जाएगी। जी, लेकिन आपने जो बताया कि भाई वो संवर कैसे करे, तो आप अपने पद में रहे, आप शुद्धात्मा में रहे और अनुबेन जो है वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन चल रही है, तो दोनों का वो उसमें आपको वो कर्ता भाव नहीं है, इसलिए वहां संवर हो जाएगा, नया कर्म बनेगा नहीं। क्या होता है जब ये सामने वाला कुछ तर्क वितर्क होता है और पता है, फाइल वन को पता है कि ये हो रहा है लेकिन वो सामने से इतना होता है कि वो पकड़ में नहीं आते, वो बह जाते हैं हम लोग। आ तक वो जैसे जैसे कर्म का भार कम होता जाएगा वैसे वैसे जागृति बढ़ती जाएगी। अभी तो कर्मों का जो भार है ना, वो कर्मों के भार की वजह से वो बह जाते हैं। बराबर। जैसे जैसे कर्म का भाव कम होता जाएगा वैसे वैसे जागृति बढ़ती जाएगी और खुली होती जाएगी, तो फिर आप कोई संजोग में बह नहीं जाएंगे। समझे अनुबेन? हाँ जी, समझे समझे। टोटल स्टॉप, एकदम से ब्रेक, जैसे गाड़ी चलाते एकदम ब्रेक लगा देते, एकदम गाड़ी रुक जाती है, वैसे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अनुबेन का जो शरीर मिला है वो बहुत सारे कर्मों के फल स्वरूप है। हाँ, तो ज्ञान मिल गया लेकिन बाकी का जो कर्म है, आपकी जितनी भी रॉन्ग बिलीफ है जो भी है, वो उसका भी संभव से निकाल करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो आपको ये विज्ञान का अनुभव कैसे होगा? तो ये जितना भी कर्म आता है, जितनी भी सब क्रियाएं होती है, तो वो क्रिया में से आपको ज्ञान पक्का होता है। बराबर अनुबेन। तो ये जितने भी व्यवहार हो रहे हैं, हम नहीं करना चाहते और व्यवहार हो रहे, तो वो व्यवहार से हमको पता चलेगा कि हम नहीं कर रहे, मैं तो शुद्धात्मा हूँ और कर्म का संस्कार ये शरीर को चला रहा है, वो आपको पक्का होता जाएगा।
बराबर हाँ, तो वो बाकी है आपको, सभी को, महात्माओं को, सभी को। जैसे जैसे वो व्यवहार में से पसार होते जाएंगे और ज्ञान आज्ञा जो है वो आज्ञा का एप्लीकेशन होगा, वैसे वैसे वो कर्म से मुक्त तो होते जाएंगे। बराबर। एक्चुअली कैसे, और हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, सॉरी, हाँ बोलिए। जैसे बहुत अच्छा अनुभव है, जैसे इतने सब घर में रूढ़ावादी है, सब अपने अपने गुरु को मानते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, 2-3 दिन पहले सबने घर में ऐसे बोला जय सच्चिदानंद। मैं हैरान हो गई एकदम, ये क्या हो गया, ये कैसे चेंज आ गया, मतलब एकदम राधा स्वामी को मानते हैं, दूसरे गुरुओं को मानते हैं, और सडनली ये लोग बोले जय सच्चिदानंद। मैंने कहा ये तो आश्चर्य हो गई। और मतलब जैसे मिच्छामी दुक्कड़म हम मानते हैं, फाइल वन मानती है घर में, दूसरे लोग नहीं मानते हैं क्योंकि उनके अलग अलग गुरु है। तो उन्होंने उल्टा माफी मांगी, लाइक जो भी हमने किया है तेरे साथ, जो भी व्यवहार हुआ है तो हमें क्षमा कर दो। तो ये मैं बराबर बहुत आश्चर्य तो हुआ ये। हाँ, इसमें क्या है अनुबेन, के हिंदुस्तान के सारे लोग ये जानता है कि ये पवित्र दिन इसके लिए है, और अनुबेन घर में वो कर रही है दादा भगवान का सत्संग, सुन रही है, बार बार जय सच्चिदानंद बोलती भी है, तो अनुबेन को दुख ना हुए। अनुबेन जो कर रही है तो वो जय सच्चिदानंद बोलती है सबको, तो आपका जो प्रभाव है, आपके प्रभाव के कारण उनके पर भी वो आया कि भाई जय सच्चिदानंद, तो वो आपका प्रभाव, आपकी जो अहिंसा पूर्वक का जो भाव है और आपकी जो भावना है कि ये विज्ञान सभी लोग समझे जी बराबर, ये ज्ञान का मार्ग सभी लोग पामे, तो वो भावना के स्वरूप और आपका व्यवहार देखकर उसको भी अपने आप ऐसा ही होता है कि जय सच्चिदानंद अनुबेन, जय सच्चिदानंद, जो आप बुलाना चाहती थी वो अपने आप बोले। हाँ, और उनको तो पता भी नहीं कुछ... है, मिच्छा में दुक्कड़म भी पता नहीं है उनको, उनको जय सच्चिदानंद भी घर में मालूम नहीं, बिकॉज़ मैं कभी बोलती नहीं हूँ मुंह से। बराबर बार फिर भी वो आप ये धर्म, ये आप दादा भगवान का फॉलो कर रही हो और उसमें ये लोग बोलते हैं, तो उसको समझ में तो आ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल समझ में। हाँ, और हमारा भाव, बराबर हमारा भाव पहुंचता है सभी का कल्याण हो जी, तो वो भाव की वजह से और आपके व्यवहार के वजह से वो आपको जय सच्चा बोलते हैं, तो आपको कितना आनंद होता है। बहुत तो आश्चर्य हो गया, आनंद आनंद हो गया ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये हमारा जो भाव है वो सब सबको पहुंचता है, कुदरत वो पहुंचा देती है सबको। समझे जी। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद, जय सच्चिदानंद, बिहारी आनंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मारा मारू पेपर तपासवानु छे, एमा आपणू जे आखी लाइफ नु भमणानी माफक अने आपणे प्रज्ञा शक्ति ना प्रकाश थी एने जोईए छे, एमा जे पण थाय छे ए पोताने थाय छे, एटले मारू थाय, खोटू देखाय, बधुं पोताने ने बीजा मां जोईए एटले आपणा मां देखाय, એ એ એ સાચી વાત છે? સવાલ બરાબર ક્લિયર ના છે ના તો હેમાબેન નો ભમરડો ઉકલ્યા કરે છે લાઈફ માં, અને હેમાબેન ની પ્રજ્ઞા શક્તિ છે એને જુએ છે, તેમાં સારું દેખાય, ખોટું દેખાય, જે પણ થાય છે, અંદર ના ભાગ ની વાત કરું, બહાર ના ભાગ ની વાત નહીં, અંદર ના ભાગ માં વાત, પોતાનો જ વાંક છે એટલે આ મન વચન કાયા જે છે એ ભૂલ ભરેલું છે ને, માટે તો દેહ મળ્યો છે, અને પોતે શુદ્ધાત્મા તરીકે એ જુએ છે, અને કોઈનામાં ખરાબ દેખાય છે, કોઈનું સારું દેખાય છે, આપણે આ દિવસ દરમિયાન, આખો દિવસ દરમિયાન કઈ બી જતા હોય, કરતા હોય,
પણ એમાં જે પણ દેખાય છે, સારું દેખાય ખોટું દેખાય, એ પોતાનો જ માર્ગ છે, એનો જ ફોટો પડે છે. એ વાત મને સમજાય છે આ પ્રદૂષણના બધા દિવસોમાં. અને એટલે એમાં મેં શું છે, બીજામાં જ્યારે ખોટું દેખાય કે બીજાની કઈ ભૂલવારું દેખાય, હિન્દી મેં બોલીએ, હા હિન્દી, કે જબ સામને વાલે કા ભૂલ દિખતી હૈ, સામને વાલા ગલત હૈ, એસા આપકો જો દિખાઈ દે રહા હૈ હેમા બેન કો, તો વો હેમા બેન કી દ્રષ્ટિ કા હી દોષ હૈ. દોષ હૈ, બરાબર હૈ. હા, તો વો સમજ બિલકુલ સહી હૈ, બરાબર. કહીં પર ભી કુછ ભી, કહીં પર ભી કુછ ભી ગલત દિખ રહા હૈ, વો હમારી હી દ્રષ્ટિ કા, હમારા હી જો વિઝન હૈ ઉસકી દોષ હૈ. મેં શુદ્ધાત્મા હું ઓર વો ભી શુદ્ધાત્મા હૈ. ખંભા દ્વારા કાંતિભાઈ ને દાદા એ કીધેલું કે ધાબા પર જઈને બોલો કે જે દેખાય છે બધું કાંતિડા તારો જ માર્ગ છે, તારો જ માર્ગ છે. એ પ્રસંગ મને યાદ આવે છે, એના પરથી મને પ્રદૂષણમાં દેખાયું બધું, તે એ ઉપયોગમાં રહ્યા. પછી અમે બે દિવસ તો વર્જિનિયા ગયા હતા, ત્યાં પણ એ લોકો સ્વામિનારાયણમાં માને, છતાં બી આપણે બધી ક્રિયા થાય, બધી જોઈએ, પગે લાગીએ, બધું જ કરીએ, સવારે પૂજન કરે, બધું કરે, પણ એમાં પણ આપણને એવું દેખાય કે જે સારું થાય છે એ ખોટું થાય છે. એમાં મેં તમારો જ વાંક છે, તું છું આ, તું છું, એવું મને જ્ઞાનના પ્રકાશમાં દેખાય છે. સાચી વાત કે ખોટી વાત? એટલે આપણા જ, આપણા જ હિસાબને કારણે, અપના ખુદ કા હી હિસાબે, જિસકી વજહ સે સામને જો કુછ ભી હો રહા હૈ, અચ્છા હો રહા હૈ, બુરા હો રહા હૈ, પસંદ વાલા હૈ યા ના પસંદ વાલા હૈ, તો વો સામને દૂસરે કે દ્વારા જો કુછ ભી હો રહા હૈ, વો હમારા હી પ્રતિબિંબ હૈ, હમારા હી કર્મ કા પ્રતિબિંબ હૈ. બરાબર. વો કર રહા હૈ વો તો ભ્રાંતિ કી દ્રષ્ટિ હૈ, જગત કી દ્રષ્ટિ હૈ, લેકિન હમારા હિસાબ એસા હૈ જિસકી વજહ સે હમકો વો દેખના પડતા હૈ, અચ્છા ભી દેખના પડતા હૈ, ગલત ભી દેખના પડતા હૈ, તો વો કહીં પર ભી કુછ ભી હોતા હૈ બહાર યા અંદર, વો હમારા હી કર્મ કા ફલ હૈ, ચાહે પસંદ વાલા હો ચાહે ના પસંદ વાલા હો, ઓર મેં શુદ્ધ આત્મા હું, બરાબર, યે સબકો દેખને વાલા જાનને વાલા. જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર હેમા બેન? બિહારી આનંદજી અપન બોલતે હૈ કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયા થી આ જગત ના કોઈ પણ જીવ ને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો, ન હો, ન હો. જબ મેં બોલતી હું તો મેરી વાણી ઓર વર્તન સે જો દુઃખ હો રહા હૈ કિસી કો, વો પહેલે મેરે મન મેં હો ચુકા હૈ, તભી મેરે વાણી યા વર્તન મેં આયા હૈ. મન આયે બિના તો વો વાણી ઓર વર્તન મેં આતા નહીં હૈ. તો યે જો મન મેં હોતા હૈ ઓર બાદ મેં વાણી યા વર્તન મેં આતા હૈ, યે ઇતના સૂક્ષ્મ હૈ કે મુજે દિખતા નહીં હૈ કે મન મેં આયા ઓર ફિર વાણી યા વર્તન મેં આયા. યે બરાબર. તો યે યે કૈસા હૈ જી, માન લો કો હમકો કિસી કો કુછ ડાંટ દેની હૈ તો પહેલે અંદર આ જાયેગા કે મેં કિસ તરહ સે ઉસકો બોલું, કૈસે બોલું, ક્યા બોલું, વો સબ અંદર જો સૂક્ષ્મ વાણી હૈ, જિસ જો શરૂ હોતી હૈ જી, વો બહોત સૂક્ષ્મ હોતી હૈ, વો ધીરે 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 ઉપર આતી હૈ. હા. ઓર જો બહાર આતી હૈ જી, તબ હમકો પતા ચલતા હૈ કે યે મેને બોલ દિયા. હા. લેકિન ભીતર મે વો શરૂ હો જાતી તો કનુ દાદા જી ને ઉસકો અંતરવાચા બોલા હૈ. ક્યા બોલા હૈ? અંતરવાચા. અંતરવાચા પહેલે અંતર મે, અંદર મેં શરૂ હો જાતા હૈ. હા. માન લો કે આપ દોનો બેઠે હૈ આમને સામને જી, ઓર આપકો હોતા હૈ કે મેં ઉસકો યે બોલું, યે કહે દું,
ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं, तो वो अंदर शुरू होता है सूक्ष्म। और मान लो के संजोग बदल गया। एक मिनट बिहारी आनंद जी, नीना बहन डिस्कनेक्ट हो गए, तो वापस आएंगे तो लेंगे, एक मिनट देखते हैं। ओके आ गए, एक मिनट बोलिए नीना बहन। ओके बोलिए बिहारी आनंद जी, नीना बहन को दिखाओ। नहीं, उनका वीडियो प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी पुअर है ना, इसलिए। ओके, तो पहले अंदर सूक्ष्म वाणी में चलता है, अंतरवाचा होती है वो, नीना बहन। जी जी जी। तो अंतरवाचा जो है वो भी डिस्चार्ज है। हाँ जी। मान लो के गले तक आ गया जी, क्या बोलना है वो, और संजोग बदल गया तो फिर वो अंदर का अंदर ही रह जाएगा। हाँ। फिर बाहर नहीं आएगा जी। तो वहां तक आपको देखने को मिलता है, फिर जब मौका मिलता है जी, फिर सामने सामने बैठते हैं जी, और फिर अंदर से अभी तो मैं ये बोली दूं, ऐसे किस किस तरह से रजूआत करूं, वो पहले अंदर सब गोठवणी हो जाती है जी जी, वो सूक्ष्म में चलता है। तो हमको ये सब बात मालूम पड़ सकती है मेरे को कि ये इतना सबको पड़ती है, और मैंने यहाँ रोका और फिर बाहर आया। हाँ, तो वो उस तरफ आपकी जागृति जाएगी तो आपको भी पता चलेगा। अच्छा। हाँ, आप भी देख सकती हो। जी। हाँ, तो वो बाहर आई तो फिर वो वाचा हो गई। हाँ, जहां तक अंदर थी वहां तक वो अंतर वाचा थी, वो आपको ही तकलीफ दे रही थी अंतर में। जी जी, जी। लेकिन बाहर आ गई तो फिर आपको भी तकलीफ और सामने वाले को भी तकलीफ। जी। बिहारी जी, बिहारी आनंद जी, बिहारी आनंद जी, बिहारी आनंद जी भी हो, सुनाई नहीं दे रहा बिहारी आनंद जी की आवाज कौन है इसके हिसाब से। आपकी आवाज बीच में कट गई थी। हाँ जी, कट गई आवाज। तो इस तरह से ये सब है। तो पुरुषार्थ मेरा वहां है कि मैं अंतरवाचा पे उसको रोकूं। नहीं, रोकने का नहीं है जी, देखने का है। अच्छा। हाँ, वैसे भी अंतरवाता जो है वो पूरे दिन में तो बहुत चलती है जी जी, और 20% ही बाहर आता है, बाकी सब अंतरवाचा में ही रहता है। जी जी। हाँ जी, अंदर जी, तो बहुत कुछ उठता है, फिर विवेक। हाँ। जो है ना, ज्ञान का विवेक। हाँ, तो कभी मैं बोलूंगी, ये मैं बोलूंगी तो उसको गलत दुख होगा, गलत होगा, झगड़ा हो जाएगा, तो इसकी वजह से फिर बोलते नहीं है, बोलते नहीं जी। हाँ, तो को वहां जागृति काम कर जाती है। अच्छा। और जहाँ हिसाब है जी, हिसाब है तो फिर वो वाणी फटाफट निकलेगी और मशीन गन की तरह चलेगी चलेगी जी जी। हाँ जी जी जी। हाँ, तो ये भी अनुभव में तो आया है ना। हाँ जी, आया है जी। आया हुआ है जी। हाँ, तो ये स्वरूप है, तो वो देखना है। हाँ। अटकाने का नहीं है। ओके। और व्यवहार का हमारे पास जो ज्ञान है, ये अच्छा नहीं है, ये बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो अपने आप अटक ही जाएगा, अटकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी। समझे जी। हाँ जी। हाँ, बराबर जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मम्मी बहन, जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, जय सच्चिदानंद। आनंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, अभी आपने जो देखने की बात बताई ना, और आगे दर्शन का भी आपने समझाया, तो ये जो दर्शन शब्द है,
ये दर्शन ये जो मतलब ऐसा अभी ख्याल में आ रहा है कि ये जो विज्ञान है अभी ये जो देखना है, ये सामायिक में जो हम लोग बैठते हैं, ये प्रतिक्रमण में जो भूले देखने के लिए बैठते, तो ये सब हमारा दर्शन खुला कर रहा है ऐसा, ये दर्शन का गुण हमारा, ये थोड़ा दर्शन के गुण के बारे में थोड़ा बताइए। दर्शन जो है वो भी ज्ञान ही है, लेकिन वो अच्छा, अनडिसाइडेड ज्ञान है। क्या है? अनडिसाइडेड। हाँ, मान लो कोई झगड़ा हो ओके। गया और बाद में हम देखते हैं, हाँ तो वहां हमको क्या लगता है कि ये मेरी भूल है, लेकिन वो तो वो बोले तब मैंने ऐसा बोला ना, उसने हाँ ऐसा किया इसकी वजह से मैंने किया, तो सामने वाले भी गुनहगार दिखाई देते हैं। और आपको ये है कि नहीं, मेरी ही भूल है, मेरी ही भूल के कारण सब निमित्त मिलते हैं, वो भी है अंदर ज्ञान, लेकिन वो दर्शन स्वरूप है, पक्का नहीं हुआ है। तो जब तक अच्छा पक्का नहीं हुआ है, वहां तक हरेक प्रसंग में सामने वालों को भी आप कसूरवार मानूंगी, उसने ऐसा बोला इसलिए मैं बोली, नहीं तो मैं नहीं बोलती, तो उसको भी निमित्त मानते हो, उसकी भी उसको भी गलती निमित्त। मानते हो, उसको गलती हाँ मानती हो। तो राइट। जहां तक दर्शन यानी ये दादा भगवान का जो ज्ञान है उसके ऊपर श्रद्धा बैठी है, लेकिन अभी पक्की नहीं हुई है, श्रद्धा है कि मेरी ही गलती है, और व्यवस्थित हाँ शक्ति ही सब कुछ कर रही है, हर एक जीव को व्यवस्थित शक्ति ही चला रही है, वो भी है, हाँ लेकिन सामने वाले की गलतियां भी दिखाई देती है। बराबर। हाँ, तो वो जो तो वहां हमारा अभी जो दर्शन है वो पक्का नहीं हुआ है। पक्का नहीं जैसे हुआ है। जैसे हाँ जैसे जैसे वो व्यवहार में से आप बराबर आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे कोई भी व्यवहार हुआ, लेकिन हम ही गुनहगार है, हमी की गलती की वजह से ही हुआ है, रिलेटिव में चाहे उनकी भूल दिखाई देवे या ना दिखाई देवे, लेकिन हाँ हिसाब हमी का ही है, भोगवटा हमी का ही है। ऐसा जब दृढ़ हो जाएगा, फिर किसी भी परिस्थिति में सामने वाला कसूरवार नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा बराबर। जहां तक ये कच्चा है वहां तक ये दोनों चलता रहेगा। दोनों चलते हैं बराबर। हाँ हाँ, राइट। लेकिन वो धीरे धीरे पक्का हो जाएगा। बराबर। हाँ हाँ, मतलब वो जो ये जो कच्चा है उसको कच्चा पर देखना कि ये कच्चा है हमारा, तो ये भी यहाँ हमारा पर देखना बहुत जरूरी है ना। बहुत जरूरी है, और जो जहां पर कच्चा है वहां पर ही अमी को असर होगी, अमी बेन को जो असर होती है, दुख होता है, तो कि इसके कारण मैं ऐसा बोली, वो ऐसा बोली इसलिए मैं ऐसा बोली, तो आप भूल आपकी है, लेकिन कसूरवार किसको ठहराती है? सामने वाले को। सामने ये बराबर नहीं बोली तो मैं कुछ नहीं बोलती। तो इस तरह बराबर। वो जो कच्चापन है वो धीरे 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 आपको जैसे ये विज्ञान समझ में आता जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे वो समझ है वो दृढ़ हो जाएगी, फिर ठीक है। आपको रहेगा कि बाहर कोई भी निमित्त है लेकिन हिसाब अमी का ही है, वो वैसे पक्का हो हो जाएगा, जाएगा। पक्का पक्का हो हाँ जाएगा। हाँ तो इसके तो अंदर प्रतिक्रमण। हाँ वो प्रोसेस में हम है, इसलिए प्रोसेस में प्रतिक्रमण करना है कि प्रतिक्रमण करना है उसकी गलती बराबर नहीं है, फिर भी उसकी गलती हम मानते हैं, बराबर। इसके लिए प्रतिक्रमण है। और बराबर। आज्ञा दृष्टि में हम कच्चे पड़ गए, उसके लिए प्रतिक्रमण है। उसके लिए प्रतिक्रमण है। हाँ, ये दोनों के लिए हमारा प्रतिक्रमण है, हाँ जहाँ कच्चा बराबर। रह गया वो भी। हाँ बराबर है, समझ में हाँ, आया।
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अनुबेन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, ये जो शुद्ध आत्मा का जो चोपड़ा भरना है, तो फाइलों का संभाव से निकाल करते हैं, लेकिन शुद्ध आत्मा का जो चोपड़ा भरते हैं वो और गहराई में जरा प्रकाश डालिए प्लीज। क्योंकि शुद्ध आत्मा के चोपड़े में रकम जमा करनी, यानी क्या कि ये हमारे अगले भव में हमें ये संसार से मुक्त होना है, तो अभी जो कुछ भी करना है वो आत्मा के लिए करना है। अभी तक हमने जो कुछ भी किया है वो अनुबेन के लिए किया है। खाना खाया तो शुद्धात्मा ने खाया कि अनुबेन ने खाया? फाइलवान ने खाया। गहना किसने पहना, शुद्धात्मा ने कि अनु ने? फाइलवान ने। हाँ, तो अभी हमने जो कुछ भी किया वो अनुबेन को ही मजबूत करने के लिए, अनुबेन को ही जीवित करने के लिए सब कुछ किया। हम जो कोई भी बात का हम रक्षण करते हैं तो वो अनुबेन का गलत न दिखाई देवे इसलिए अनुबेन का रक्षण करते हैं ना जी। हाँ, तो अनुबेन के लिए जो कुछ भी किया वो तो अनुबेन व्यवहार से है, लेकिन आप हकीकत में तो शुद्धात्मा है। बराबर। तो शुद्धात्मा के लिए क्या किया? तो ये सब जो विधियां है, सब विधि करते हैं ना, हम आरती बोलते विधि करते हैं, ये सत्संग समझने के लिए सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो वो शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा हो रही है। बट ऐसा तो नहीं ना कि हमारे इस भाव के सब कर्म कटेंगे, ऐसा नहीं, ये आने वाले भाव की बात है ना, आने भाव की बात है। और हमारा लक्ष्य क्या हो गया, हमारा लक्ष्य क्या हो गया कि अभी मुक्त होना है जी, नहीं तो पहले हमारा सब टाइम संसार में चला जाता है ज्यादातर। बराबर जी, इसकी खरी खोटी करने की, वो करने का, वो करने का, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य हो गया है कि अभी मुझे मुक्त होना है, कर्म से मुक्त होना है जी। तो शुद्धात्मा जो मैं खुद हूं जी, तो अब हम हमारे लिए कर रहे हैं। बराबर। पहले जो कुछ भी करते थे वो अनुबेन के लिए कर रहे हैं। बराबर। तो ये और भी कुछ करना होता है जो जैसे शुद्ध आत्मा का चोपड़ा भरते जाए तो वो उसका कहाँ स्टॉप है, कुछ वो लिमिट नहीं है ना, मतलब नहीं, वो अनलिमिटेड है। और ये पांच आज्ञा जो है ना जी, और रिलेटिव रियल जो हम देखते हैं जी, कहीं पर भी हम जाए जी, चाहे बाजार में सब्जी खरीदने जाए, शादी में जाए या मरण प्रसंग में जाए, लेकिन हम रिलेटिव रियल तो कहीं पर भी देख सकते हैं। बराबर। हाजिरी हमारी जरूरी है तो वहां हम बैठते हैं, लेकिन वहां बैठे बैठे भी हम रिलेटिव रियल देखते हैं, तो वो शुद्धात्मा का चोपड़ा भरता है जी, अनुबेन व्यवहार कर रही है। तो ये कीर्तन भक्ति भी उसी फाइल में जाएगा? और कीर्तन भक्ति भी जो है, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो भी उसी फाइल में? वो सब शुद्धात्मा के चोपड़ा में ही जाएगा। और ये स्वरूप कीर्तन भक्ति है वो तो प्योर उसके लिए ही है। बराबर। अपने खुद की भक्ति, अपने स्वरूप की भक्ति जी, वो शुद्धात्मा के चोपड़े में जाएगा जी। और मेन जो आज्ञा है, रिलेटिव व्यू पॉइंट, रियल व्यू पॉइंट, वो व्यवहार करते हुए भी आप परमार्थ कार्य कर रही हो जी। अनुबेन शादी में जाना पड़ता है, इच्छा नहीं फिर भी जाना पड़ता है, नजदीक की है। बराबर। तो शादी में तो जाना पड़ेगा, फिर वहां हम रिलेटिव रियल देखते रहे, तो अनुबेन व्यवहार कर रही है, लेकिन हम
परमार्थ कार्य कर रहे हैं आज्ञा में रहकर, तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ में चलते हैं। बट अभी जैसे इच्छा बिल्कुल नहीं होती कहीं भी जाने की, लाइक शादी हो या किसी के घर पे हो या कहीं डिनर हो, बराबर बिल्कुल अंदर से इच्छा, ऐसे लगता है जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है और बातें टाइम वेस्ट। चलो हम अपने में अंदर में तो हमेशा शुद्ध आत्मा में नहीं रहते, सामने भी नहीं रहता है, लेकिन ऐसे लगता है सचमुच में बहुत टाइम जैसे वेस्ट हो गया, बहुत समय मेरा ऐसे चला गया इतने। और क्या हुआ वहां पे थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाती है, थोड़ी मतलब यू नो जगत की बातें हो जाती है, वो फिर उसमें स्थिर नहीं रहते हैं। ये क्या है अनुबेन, कि ये दोनों साथ में ही चलता रहता है। अनुबेन जो है वो व्यवहार में जो जो गलती किया है, जिस जिस में इंटरेस्ट लिया है, उसके हिसाब से अनुबेन को ये शरीर मिला है, बराबर। तो वो हिसाब भी पूरा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ करना तो पड़ेगा, लेकिन इसको तो कैसे अभी हम करें? अभी नहीं, अभी हम शुद्धात्मा पद में आए, शुद्धात्मा हुए, इसलिए हमको लगता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन ये महात्मा लोग पांच आज्ञा का उपयोग करते हैं कहीं पर भी जी, तो वो टाइम का सदुपयोग हो जाता है, बराबर। अनुबेन का टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन वही टाइम में वही उसी समय हम आज्ञा दृष्टि में रहते हैं, आज्ञा का उपयोग की गोठवणी करते हैं, तो वही टाइम हमारा खुद का हो जाता है। और ना पसंद वाला है, नहीं जाने की इच्छा है, फिर भी जानना पड़ता है, तभी तो आपको अनुभव में आएगा कि स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग और वाणी का संयोग पर है और पराधीन है। बराबर कैसे समझ में आएगा? जब व्यवहार में जाएंगे, जब उनके साथ व्यवहार में नहीं, पहले तो हम ऐसा मानते थे कि हम जाते हैं इसलिए आनंद रहता था, लेकिन अभी हमको पता चला कि हमको नहीं जाना है फिर भी जाना पड़ता है, तो तभी तो आप मुक्त तो हुए, तभी तो ये पता चला। बराबर तो के जो कर्म के ऋणानुबंध बने हुए हैं उसका पूरा तो करना पड़ेगा ना, बराबर बराबर। तो ये फाइल का जाए, बट अगर हम अवॉइड कर सकते हैं और सामने वाले को बुरा नहीं लगता है, तो वो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना। मान लो के कुछ आप कारण बता सकती हो जो उसको भी अंदर से लगे कि नहीं ये बराबर है, बराबर, तो वो ही बोलेगी कि अब तू नहीं आएगी तो चलेगा। लेकिन उसका मन का समाधान करना पड़ता है, बराबर। छटकने के लिए नहीं है, नहीं समझा, अवॉइड करने के लिए नहीं है, बराबर। तो कोई भी संयोग जो है ना पसंद वाला या पसंद वाला, वो आपको ज्ञान ज्ञान ही पक्का करता है। बट कभी कभी क्या होता है, जाते हैं बैठते हैं, कुछ तर्क वितर भी अगर हो गया है, सामने शुद्ध आत्मा देखते हैं, मैं अपने आत्मा पद में आ जाती हूँ, सामने भी देख लेती हूँ और व्यवहार में भी मालूम पड़ जाता है कि कैसे किसी का व्यवहार है। ऑफ कोर्स सब अपना ही प्रतिबिंब है, ये भी जानते हैं, सब व्यवस्थित ही है, वो सब एक्सेप्ट करने के बाद भी ऐसे लगता है सचमुच टाइम वेस्ट हो गया, मैं क्या किया मैंने, तो और रिलेशनशिप भी मैं खराब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए भी संभाल के मुंह से। अनुबेन जी, अभी जो आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, वो उसका बोझा लगता है, बराबर। जिसके पास ये पांच आज्ञा है उसका कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। वेस्ट कब होता है कि आपके पास ये दृष्टि नहीं है, अंदर आप क्या कर रही हो वो उसका आपको भान नहीं है, वहां तक टाइम वेस्ट होगा, बराबर। एक्चुअली ऐसे ही हुआ था, श्रुति की तरह पीछे बैक ऑफ द माइंड चल ही रहा था, जैसे म्यूजिक में श्रुति है उनका जो नोट होता है, ऐसे लग रहा है कि सामने मैं शुद्धात्मा हूँ, वो शुद्धात्मा है, कर्ता व्यवस्थित है, ज्ञान पूरा चालू था, लेकिन थोड़ी देर में फिर भूल जाते, फिर वापस आते, फिर भूल जाते, फिर वापस आते। जब तक आपको ऐसा लगता है कि ये प्रसंग में मुझे जाने की जरूरत नहीं है फिर भी जानना पड़ता है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो जो आपकी सोच है ना उसकी वजह से थकान लगता है, बराबर, ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बराबर। लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा जी कि
जाना ही पड़े ऐसा है, व्यवहार निभाना पड़े ऐसा है। बराबर। तो अनु बन जा रही है, जिसका व्यवहार है वो निभा रही है, लेकिन मैं तो मुक्त हूं ना भीतर से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आज्ञा में रहने से कौन रोक सकता है। बराबर। बढ़िया, जब याद रहे ना 24 घंटा, तो यही तो मार खा। 24 घंटा नहीं, जितना हमारा वो समय है, जहां हमको ऐसा लगता है कि नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, फिर भी जाना पड़ता है, तो उस समय पर व्यवस्थित शक्ति अनुबेन को ले जाती है। बट कभी कभी नए कर्म भी बांध के आ जाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप करने वाले ही नहीं है। ओके। आपको तो करना पड़ता है, अनुबेन को तो करना पड़ता है, और बातचीत तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। आज अगल बगल में बैठेंगे तो, अकेले बैठेंगे तो भी लोगों को ऐसा लगेगा, जैसे अभी थोड़ा सा कुछ हुआ था तो उनको लगा मुझे बुरा लगा, लेकिन अंदर में अंदर खुशी की लहर थी, और मैंने सामने शुद्ध आत्मा देखा, सब में शुद्ध आत्मा देखा, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ, मैंने वो सीट नहीं छोड़ी। लेकिन उनको ऐसे लगा, अनु तुझे बहुत बुरा लगा अभी, मतलब तुम्हारे आवाज से लग रहा है तुम्हें बुरा लगा। बट मैंने उनको बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अंदर से खुशी थी, लेकिन जब मैं नीचे उतरी और बाहर गाड़ी में बैठी तो थोड़ा रोना आया, मतलब लहर थी एक, जैसे महसूस हुआ कि बराबर मुझे दुख हुआ। फिर मैंने एकदम से कीर्तन भक्ति स्टार्ट हुई तो एकदम जैसे मैं रोना मेरा बंद ही नहीं हो गए, तो ये क्या तो, था समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बुरा उस लगा टाइम पर, उनको महसूस नहीं करवाया। तो उस टाइम पर तो आपने संभाल लिया, जब उसने बोला आपके मुंह को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर उसने बोला कि अनु तुझको दुख हुआ है, लेकिन उस टाइम पर आपने संभाल लिया, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है अंदर, क्योंकि सामने वाले को लगता है तो वो बाहर का और आपका चेहरे का परीक्षण करके ही बोलते हैं कि आपको दुख हुआ है। नहीं, लहर थी खुशी की, मतलब जो बातें उनको लग रहा ऐसे, बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट हर्ट एट ऑल, और न मैं तुम्हारे प्रति मुझे कोई दुख है, लेकिन जब बराबर उतरे नीचे तब थोड़ा रोना आया, ऐसे ये व्यवहार है। मींस ऐसे दादा भगवान ने दिखा दी, ये ऐसे व्यवहार होते हैं, ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए, मतलब यू नो ऐसे लग रहा था कि चलो फिर यही व्यवस्थित है, फिर अगेन वो मैं कुछ बोलूं तो व्यवस्थित है। नहीं, उस टाइम पर अनु को गलत लगा ही था, लेकिन वो संभल गई उसके सामने। बराबर। फिर जब अकेली हुई तब उसको वो कोई देखने वाला नहीं है तो फिर वो रो पड़ी। नहीं, यही मैं सोचने बैठी गाड़ी में, ऐसे नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे खुशी हुई उनके लिए, मेरे को मतलब अंदर से खुशी की लहर उठ रही थी, लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैं बहुत रोई, और मैंने एकदम कीर्तन भक्ति स्टार्ट किया, एकदम आनंद का आंसू थे, तभी हर्ष के आंसू थे, नहीं आनंद के नहीं थे, थोड़ा सा दुख महसूस हुआ, लेकिन उस टाइम दुख महसूस नहीं हुआ, ये एक अलग व्यवहार समझ में नहीं आया मुझे, अलग व्यवहार थे। हाँ, तो दोनों अलग थे, उस टाइम पर आप संभल गई, असर हुई थी उसी टाइम पर, लेकिन संभल गई, क्योंकि असर हुई थी तब तो आपकी सहेली ने आपको देखकर बोला कि आपको दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है, तो वो आपको सहेली को भी पता चल जाता है, लेकिन उस टाइम पर आप संभल गई। लेकिन फिर अकेली हुई तो फिर आपको वो छूट गया। बराबर। जैसे मैंने वहां निर्णय लिया कि आइंदा मैं ऐसे अनुभव नहीं होने दूंगी, अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब व्यवस्थित है, मैंने कहा अगली बार मैं डिसाइड करूंगी कि कैसे व्यवहार कर, मीन्स कैसे करना है कि जैसे ऐसे व्यवहार फिर से नहीं आए, लेकिन हर बार नया अनुभव होता है, हर बार व्यवस्थित के अधीन है हम, तो हर बार नया अनुभव आता है, तो वही पक्का होता है। तो अभी व्यवहार में मुझे ऐसा करना है वैसा नहीं करना है ऐसा कोई तय करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक आपका जो व्यवहार है और आपको अंदर से तो रियलाइज हो गया कि मुझे नहीं जाना है फिर भी जाना पड़ता है, तो वो भी पक्का हो जाएगा, तो पक्का हो गया। बात करते लेकिन करते और क्लियर हुआ आपसे बात करते करते, अभी आज क्लियर हुआ, इतने दिन हो गए इस बात को, 15 दिन हो गए,
बराबर, ये भी मुझे कुछ अनुभव करना था, ये भी व्यवस्था हाँ, हिसाब लेन देन के जो संबंध है वो खत्म करना था। वो बराबर, व्यवहार खत्म होता है, वो लोग मिलते हैं, सब मिलते हैं, तभी पूरा व्यवहार खत्म होता है। बराबर, और उस समय पर आपको जो भी रियलाइज होता है वो आपका ज्ञान है, बराबर, तो पक्का होता जा रहा है कि व्यवस्थित के अधीन ही हम है। अनुबेन जो है वो व्यवस्थित के अधीन ही है, उसमें हमारा कुछ भी चलता नहीं है, वो धीरे बराबर, धीरे धीरे पक्का हो जा रहा है। और मैं शुद्धात्मा ही हूं तो वो भी पक्का हो जाएगा। बट उस टाइम दिमाग क्यों नहीं चलता है? क्योंकि यहाँ क्या था, मतलब कुछ सामान मंगाया था, उन्होंने भी मंगाया था, मैंने भी मंगाया था, जहाँ फिर थर्ड पार्टी थी, पेमेंट देनी थी, मैंने कहा चलो अनु तू भर दे, मैंने कहा ठीक है मैं भर देती हूँ, फिर अपने आप हिसाब करेंगे। तो ना मैं माल लेके आई, ना मैं पेमेंट आदि लेकर आई, कुछ नहीं। फिर अंदर से मैंने शुद्ध आत्मा देखा, दुख नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है उनका विवेक अपने आप जागृत होगा, ऐसे कोई रखने वालों में से नहीं है। लेकिन मैंने अभी जो भी ये पोजीशन चल रहा था, मैंने बहुत सामायिक में उनकी बहुत मैंने प्रतिक्रमण किया, मैंने कहा कुछ मेरे ऐसे हैं कर्म उनके साथ, और तो कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मीन्स बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे मेरे में कोई खामी है? तो मैंने बहुत प्रतिक्रमण किया, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से हल्कापन महसूस हुआ, मतलब जो थोड़ा सा थॉट आ रहे थे उनके प्रति नेगेटिव, वो भी मेरा मतलब हट गया, ऐसे नहीं, तो वो प्रतिक्रमण सब से इतने क्लियर अच्छे हैं, हो सब इतने जाता है। अच्छे, हाँ सब इतने अच्छे हैं। बराबर, बराबर। जी, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाए हैं, अनुबेन फॉलो करेगा। जी, नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम्, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्जायाणम्, नमो वज्जायानम्, नमो लोई सव्वसाहुणम्, नमो लोहे सवसाहुनम्, ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपावपनासनो सवपावपनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।